कंगना रनौत की तेजस ने एग्जिबिटर्स के बीच तहलका मचा दिया है। इसलिए नहीं कि फिल्म बहुत कमाई कर रही है, बल्कि इसलिए कि फिल्म की परफॉर्मेंस उम्मीद से बेहद कमजोर है। तेजस की हालत इतनी खराब है कि सिनेमा घर मालिकों को फिल्म के सुबह के शोज कैंसिल करने पड़ रहे हैं, क्योंकि फिल्म की एक भी टिकट नहीं बिक रही। बॉलीवुड हंगामा ने देश के अलग अलग हिस्से के थिएटर मालिकों से बात की। उनसे पूछा गया कि तेजस और ट्वेल्थ फेल कैसा परफॉर्म कर रही है। तब एक एग्जिबिटर ने अपना नाम सार्वजनिक नहीं करने की शर्त पर बताया कि संडे जैसे पब्लिक हॉलीडे पर भी उनके थिएटर में तेजस को सिर्फ 10 से 12 लोग ही देख रहे हैं, जिसकी वजह से सोमवार को तेजस के 50% शोज कैंसिल करने पड़े। उनका ये भी कहना है कि कंगना की ये फिल्म उतनी भी बुरी नहीं है जितनी बताई जा रही है। VFX वगैरह का थोड़ा सा मसला है, मगर इस फिल्म को जनता ने बिल्कुल ही खारिज कर दिया है। वहीं मुंबई के एक थिएटर के मालिक भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। मालिक का कहना है कि उन्होंने अपनी 1000 सीट वाले थिएटर में तेजस लगाई, मगर रविवार को भी उस थिएटर में मात्र 100 लोग ही पहुंचे। अन्य दिनों में तो हालत और भी ज्यादा खराब है। शख्स का कहना है कि वो वीकडेज पर भी अपने थिएटर में तेजस ही दिखा रहा है। लोगों को सिनेमा घर तक लाने के लिए उन्होंने टिकट की कीमतें भी कम कर दी है, मगर फिर भी लोग ये फिल्म देखने नहीं पहुँच रहे हैं। तेजस में कंगना के साथ अंशुल चौहान और आशीष विद्यार्थी जैसे एक्टर्स ने काम किया है। इस फिल्म को सर्वेश मेवाड़ा ने डायरेक्ट किया है। अब आपको इस फिल्म का कलेक्शन बताते हुए चलते हैं। कंगना रनौत की तेजस ने पहले वीकेंड यानी शुरुआती 3 दिनों में मात्र 3.75 करोड़ रुपए की कमाई की। पहले दिन इस फिल्म ने 1.25 करोड़ रुपए कलेक्ट किए। दूसरे दिन फिल्म की कमाई 1.30 करोड़ रुपए रही। तीसरे दिन यानी कि रविवार को इस फिल्म ने देश भर से मात्र 1.20 करोड़ रुपए का ही बिजनेस किया। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का लाइफ टाइम कलेक्शन 10 करोड़ रुपए तक भी नहीं पहुंच पाएगा। वहीं फिल्म का टोटल बजट 200 करोड़ रुपए तक का है। ऐसे में अगर आप इस फिल्म को देख चुके हैं या फिर इस फिल्म के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें।